हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइज़ैक न्यूटन का ये चैप्टर है और 4 नंबर टेस्ट स्किल में किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट एंड साउंड, फोर्सेस, सोलर सिस्टम, कंप्यूटर, सिंपल मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट क्लास लीवर। तो देखिए फर्स्ट क्लास रिवर में सीसा झूला, वेटिंग बैलेंस और ए पेयर ऑफ सीजर, ये तीनों के तीनों सही हैं। तो सीसा होता क्या है, देखिए ये एक जगह से फलक्रम से जुड़ा होता है और यहाँ पे आपका क्या लगता है, लोड लगता है। ठीक है, अब इसको और आसानी से समझा रहा हूँ, लोड और यहाँ पे लगता है एफर्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आप सब्जी तौलने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, आप नहीं जाते सब्जी तौलने के लिए, आप सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी वाला क्या करता है, तौलता है इसको। तो वेटिंग मशीन कैसी रहती है, ऐसी तो रहती है। ठीक है, इधर वो क्या करता है, एक यहाँ पे इस तरीके से गोला रहता है और इसमें आपकी सब्जी, मान लीजिए आलू भरा हुआ है, ठीक है, और इधर वो क्या रखता है, इधर वो 1 kg का बटखरा रखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फलक्रम का काम करता है यहाँ पे, ठीक है, और इधर है क्या आपका लोड और इधर है एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे होता है, अब यहाँ पे ये जॉइंट है तो लोड इधर आपका होगा, एफर्ट इधर लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो भी चीज़ आपकी ऐसी दिखती है वो क्या है, आपका फर्स्ट क्लास लीवर है। ठीक है, जैसे देखिए सीसा झूला भी आपका होता है इस तरीके से, एक आदमी इधर बैठता है, एक आदमी इधर बैठता है। ठीक है, ए पेयर ऑफ सीजर, जो सीजर होता है तो जो कैची होती है दोस्तों वो इस तरीके से होती है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बीच में है और इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है यू आर वर्किंग इन एमएस वर्ड एप्लीकेशन। आप वर्क कर रहे हैं कहाँ पे, एमएस वर्ड एप्लीकेशन में। विच आर द फॉलोइंग द वोलाटाइल मेमोरी, और आप वोलाटाइल मेमोरी होती है उसमें, ठीक है ना, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है एमएस वर्ड एप्लीकेशन में, और जब वो चलती है, जब कंप्यूटर आपका रन होता है तभी वो काम भी करती है। तो ये आपका क्या है, वो है आपका रैम, ठीक है ना, रैम, ठीक है ना। तो रैम आपका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आसपास हमें दिखाई नहीं देता है या जिनके आसपास लाइटें, आर पार लाइटें नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए तो इसका शेडो मॉर्निंग में कैसा बनेगा, तो मॉर्निंग में शेडो हमेशा क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना, और आपका इवनिंग में, एंड इवनिंग वाइल द शेडो एट नून। तो देखिए मॉर्निंग और इवनिंग में जो शेडो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन जब आपका दोपहर होता है तो आपका शेडो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिग एंड स्मॉल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है विच आर द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के बारे में कौन सी चीज़ें इसमें सही हैं वो हमें करेक्ट करना है। चलिए पहला, एस्टेरॉयड डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन द वे प्लैनेट्स डू। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या एस्टेरॉयड सन के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते जैसे आपके प्लैनेट्स लगाते हैं, तो लगाते हैं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज बिटवीन वीनस एंड जुपिटर। ठीक है, तो ये भी गलत है, किसके किसके बीच में है, जुपिटर और मार्स के बीच में। फिर है सी नंबर, एस्टेरॉयड आर प्लैनेट्स लाइक ऑब्जेक्ट बट स्मॉलर देन इरेगुलर शेप। बिल्कुल ठीक है, जो एस्टेरॉयड होते हैं वो प्लैनेट के जैसे ही दिखते हैं लेकिन वो उनकी साइज जो होती है वो छोटी होती है, साथ ही साथ उनका जो शेप होता है वो ऐसा नहीं होता है कि एकदम परफेक्टली राउंड हो, ठीक है ना, इनका इरेगुलर शेप होता है, किसी भी तरीके से एक पत्थर की तरीके से, एक चट्टान की तरीके से भी दिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए चेंज इन विच द सबस्टेंस कैन गेट बैक इट्स ओरिजिनल फॉर्म कॉल्ड फिजिकल चेंज। देखिए ऐसा चेंज, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपका ये पेपर है, ठीक है ना, पेपर को अगर आप काट देते हैं तो क्या वो काट के अलग कर दिया आपने, तो ये क्या है, अभी भी ये क्या है, पेपर ही है, कोई नया सबस्टेंस बना नहीं बना। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज, या फिर ऐसी चीज़ें जिसे आप चेंज करें लेकिन फिर से उसे उसके पुरानी कंडीशंस में ले आए तो उसे हम कहते हैं क्या, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए आइस अगर मेल्ट हो गया तो पानी बन जाएगा, आप उसको फिर से फ्रिज में रखेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, यानी कि फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो उसमें यही पूछा था फिजिकल चेंज कौन सा है, तो ये आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, अब देखिए जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, पेपर को आपने बर्न कर दिया तो ये राख बन गया, तो क्या राख को हम फिर से कागज़ बना सकते, नहीं बना सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। पटाखे फूटते हैं, क्या पटाखे को, जो पटाखे फूट गए हैं उनको आप फिर से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। फिर है कुकिंग ऑफ फूड, एक बार आपने खाना बना दिया तो आप उसको फिर से उसके रॉ मटेरियल्स में चेंज नहीं कर सकते, तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट सेटेलाइट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सेटेलाइट कौन है, तो ये आपका गैनीमेड, और ये किस प्लैनेट का है, ये है आपका जुपिटर प्लैनेट का, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, देखिए फोबोस, फोबोस और डिमोस मार्स के हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कैलिस्टो, जो कैलिस्टो आपका है ये आपका पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है ना, पूरे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट मून है। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट मून, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा आपका जो मून है ये है, और ये भी किसका है? जुपिटर का ही है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ये पूरे सोलर सिस्टम का सब कितना बड़े पे है, तो सोलर सिस्टम का ये है आपका, देखिए पूरे पूरे सोलर सिस्टम पे ये सेकेंड नंबर का है, ठीक है ना, और जुपिटर का सेकेंड नंबर का, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, देखिए कैलिस्टो जो है ना, देखिए कैलिस्टो जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मून है, किसका? जुपिटर का, ठीक है ना। अब पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून आपका कौन सा है? वह है आपका क्या? गैनीमेड। और दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है पूरे सोलर सिस्टम में? तो वो है आपका कैलिस्टो, ठीक है ना। और ये जो मून आपका दे रखा है, मून किसका आपका सैटेलाइट है, तो ये है अर्थ का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द शेप ऑफ विंड, सॉरी स्पीड ऑफ विंड, यानी कि जो हवा की स्पीड है उसको हम किससे मेज़र करते हैं? तो ये हम मेज़र करते हैं दोस्तों किससे? एनीमोमीटर से। किससे मेज़र करते हैं? एनीमोमीटर से। अब देखिए लेजी मीटर है, तो लेजी मीटर में हम क्या मेज़र करते हैं? तो हम मेज़र करते हैं सॉयल और वाटर के बैलेंस को। किससे करते हैं? सॉयल प्लस वाटर के बैलेंस को, ठीक है। मान लीजिए कोई ज़मीन है, वहाँ पे कितनी सॉयल सॉयल में कितने अमाउंट में आपका वाटर है, ये सारी चेक की जाती है। फिर फैदोमीटर, फैदोमीटर जो आपका ओशियन होता है, ठीक है ना, ओशियन की डेप्थ नापने के लिए हम यूज़ करते हैं फैदोमीटर, और एनीमोमीटर स्पीड नापने के लिए कहते हैं, और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मापने के लिए हम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट इसमें से क्या नहीं अट्रैक्ट करेगा? देखिए फ्रिज के डोर को भी अट्रैक्ट करेगा, आयरन नेल को भी करेगा, और स्टील प्लेट को भी ये मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पेपर को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, दिस प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द इनर प्लैनेट। देखिए इनर प्लैनेट क्या होते हैं? देखिए ये सन है, ठीक है ना, ये सन है, ठीक है ना। सन के बाद कौन सा प्लैनेट आपका पड़ता है? मरकरी, ठीक है। फिर वीनस, वीनस के बाद फिर कौन पड़ता है? अर्थ पड़ता है, और फिर यहाँ पे क्या पड़ता है? मार्स, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपका शुरू होता है जुपिटर। अब यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये पूछा इनर प्लैनेट किसे कहते हैं। तो ये जो चार प्लैनेट हैं सन के पास में, इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट, और इन इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट है आपका कौन सा? अर्थ। और अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, और यहीं पर हम लोग रहते भी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है? एन ओशियन करेंट इज द कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट मूवमेंट टू सी वाटर जनरेटेड बाई फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, बिकॉज देयर हीटिंग एंड कूलिंग क्वालिटीज दे अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट, हाउ डू ओशियन करेंट्स ट्रांसफर हीट इन द ओशियन। देखिए जब भी कोई लिक्विड की चीज़ होती है, लिक्विड में जब आपका हीट ट्रांसफर होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन के माध्यम से होता है, ठीक है ना, कन्वेक्शन के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कन्वेक्शन, ठीक है। अब देखिए रेडिएशन, सन की लाइट जो आपके पास तक आती है वो किस माध्यम से आती है? रेडिएशन के माध्यम से आती है। और कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन ये होता है, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, चूल्हे पे यहाँ पे गैस चल रही है, ठीक है, तो गैस जलती है तो आप देखते हैं खाना तो यहाँ बन रहा है, तो ये पार्ट गर्म होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा पार्ट यहाँ तक आपका गर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं वो आपस में कोलिजन करते हैं, कोलिजन करते करते क्या करते हैं? पूरे सिस्टम को ही ये गर्म कर देते हैं। तो ये इस प्रोसेस से जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन द स्टार। स्टार के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइट ईयर, और लाइट ईयर आपकी किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस नापा जाता है इससे। अब वन लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन ईयर, यानी कि एक ईयर में कितना आपका लाइट ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई वन ईयर। अब देखिए इसमें कितने किलोमीटर होता है, तो ये होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है ना, मतलब कि एक साल में कितने किलोमीटर जाएगी? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर मटेरियल यूज द सब्सटेंस दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। देखिए होता क्या है कि जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है ना, मटेरियल होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर इसमें से कौन सा है, तो ये सबसे अच्छा गुड कंडक्टर जो है वो है आपका सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो होती है 3.6×10⁷ मीटर ओम। मीटर ओम क्या है, मीटर ओम आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट है, ठीक है ना। तो इसकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, सबसे बेस्ट मटेरियल है सिल्वर, ठीक है। लेकिन चलिए अब आगे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फ्रिक्शन इज लीस्ट इन्वॉल्व, यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट होता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ पे लगे, ए बिग वुडन बॉक्स पुशेड इन द फ्लोर। देखिए बॉक्स, अगर कोई बहुत बड़ा बॉक्स है उसको आप फ्लोर पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको फ्लोर पे खिसका रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगने वाला है। फिर है स्लाइडिंग डाउन ए स्लाइड, कोई भी चीज़ आप स्लाइड कर रहे हैं तब भी वहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर आप कोई हैवी वेट उठा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई वेट उठा लिया, ऊपर उठा लिया, तो उसका कांटेक्ट किसी सरफेस से है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन 14, एन एलिमेंट इज द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस विच दिस इज एन एलिमेंट, ये क्या होता है। देखिए ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है वो किसी न किसी चीज़ से बनी होती है, लेकिन अगर उसका हम सबसे छोटा पार्ट करते, उसको तोड़ते 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 ऐसे पार्ट पे पहुंच जाए जहाँ पे वो बिल्कुल भी ना टूटे, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एटम। और सबसे छोटा जो आपका एलिमेंट है फर्स्ट नंबर पर वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को इंडिकेट किया गया है किससे, एटम से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट और वाटर को कैसे हम सेपरेट करेंगे, तो ये हम करेंगे डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, द सेलेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन द लिक्विड मिक्सचर। देखिए ये तो हो गया अंग्रेजी, लेकिन अब यहाँ पे आते हैं। देखिए मान लीजिए आपने पानी घोल दिया है, इसमें पानी है, पानी में नमक आपने घोल दिया, अब आप चाहते हैं कि नमक और वाटर को हम अलग कर लें, तो कैसे करेंगे, आप इसको गर्म कर दीजिए, ठीक है ना, आप इसको गर्म कर दीजिए, ठीक है ना। अब गर्म जब आप करेंगे तो क्या होगा, पानी वेपर बन के उड़ जाएगा और जो नमक होगा आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो वही है आपका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसको इतने टाइम तक गर्म करेंगे फिर इसे ठंडा कर लेंगे तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड फ्यू एक्सपेक्टेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी इजली कट विद नाइफ। यानी कि देखिए मेटल क्या होते हैं, हमने जनरली पढ़ा है कि मेटल जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेटल ऐसा होता है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, तो ये कौन सा है, तो ये है दोस्तों सोडियम। और सोडियम को हमेशा किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे लिखा था CPU द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, CPU हमारे कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इट माइट कॉल द कंप्यूटर्स ब्रेन, इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, बैलून कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए सबस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। देखिए वैल्यूम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर कितनी जगह है उसे हम उसका वैल्यूम कहते हैं, और दैट इज इनक्लोज्ड विद इन अ कंटेनर विच इज़ द फॉलोइंग टूल्स वुड बी हैज मेजर वैल्यूम। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज़ का हमें अगर वैल्यूम फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये हम करते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर आपको लेबोरेटरी में मिलता है इस तरीके का होता है, ठीक है ना, इस तरीके का होता है, और यहाँ पे इस तरीके की मेजरमेंट बनी होती है, ठीक है ना, लेबोरेटरी में मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, साउंड इज लाउड एंड अनप्लीजेंट। देखिए साउंड अगर अनप्लीजेंट है और बहुत ही ख़राब लग रहा है आपको, वो साउंड बहुत तेज़ है, तो उसे हम कहते हैं नॉइस। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड को हम किससे मेजर करते हैं, तो कहते हैं MIPS से। MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं CPS पे, CPS का मतलब क्या है, यहाँ पे है साइबर फिजिकल सिस्टम। फिर यहाँ पे BITS का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स।
फिर यहाँ पे देखिए जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इमेज खींचते हैं जेपीजी उसमें रहता है, तो जेपीजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हो गई हैं, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हमें क्या बताना है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला, लो इज द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिव बॉडी इन अ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, लो एक नाम का क्या है, वोल्केनो है, ठीक है ना, और ये सबसे एक्टिव वोल्केनो है आपके सोलर सिस्टम का, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका जुपिटर के मून पे, कहाँ पे है, जुपिटर मून है ये। ठीक है, फिर है लार्जेस्ट फोर मून्स ऑफ द प्लैनेट जुपिटर भी डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीले, बिल्कुल ठीक है। जो लार्जेस्ट चार बड़े मून हैं जुपिटर के, उसको किसने खोजा था, गैलीलियो गैलीली ने खोला था, सॉरी खोजा था। ठीक है, फिर टाइटन द स्मॉलेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। यहाँ पे अनस्क्रम्बल वर्ड है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट अराइव्स टू द लिसनर्स विथ ए डिले आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। ठीक है ना, मान लीजिए आप कोई साउंड बोलते हैं, वो रिटर्न होकर आपके पास आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ईको। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ई सी एच ओ ईको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ए फर्स्ट क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या आता है, प्लायर्स आते हैं, यानी कि प्लास आता है हिंदी में, तो प्लायर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, सेकंड है ए थर्ड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर में आपका क्या आता है, नाइफ आता है, यानी कि चाकू आता है। ठीक है, तो नाइफ आपका कहाँ पे, यहाँ पे है। फिर है आपका इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू प्योरिटी ऑफ मिल्क, तो इसे हम चेक करते हैं लैक्टोमीटर से, किसे करते हैं, लैक्टोमीटर से। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ए यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार, तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्टार्स की डिस्टेंस को नापने के लिए बोलते हैं पारसेक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारसेक, और पारसेक आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका यहाँ पे पारसेक। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ें हो गई, कौन सा नहीं मिल रहा है इस ग्रेड में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, मरकरी ग्लिसरीन विनेगर ये सब क्या है, तो ये सब है दोस्तों आपके लिक्विड्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिक्विड्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, लाइट पासेस कम्प्लीटली थ्रू द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल गलत है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में आपका जो लाइट होता है वो एकदम पास नहीं होता है। ठीक है, हल्का फुल्का पास होता है। फिर यहाँ पे तो द ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस, देखिए जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद देते हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो नहीं देते उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट समय स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल ठीक है। कैंडल द एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कैंडल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि कैंडल से लाइट निकलती है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 ये दोनों आपके सही हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका वीडियो खत्म होता है, साथ ही साथ ही मेरा गूगल पे नंबर, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़िए, और मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, तब तक के लिए नमस्कार।